व्यवस्था विवरण अध्याय 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को बहले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे, और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वा वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है पापी न बनाना। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को व उसके ऊपर के पार्ट को बंधन न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधन रखना है। यदि कोई अपने लिए इसराइली भाई को दास बनाने व बेच डालने की मंशा से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना, कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुझे सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र में से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना, तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए, और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्यास्त होते होते उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो चाहे तेरे देश में फाटकों से भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना। यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य व अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था, इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं।